हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का देव टेक यूट्यूब चैनल में। गाइज, आपको इस चैनल पर टेक, इंटरनेट प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, ऐप प्रीव्यू, मोबाइल टिप्स आदि से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। अगर आपने अभी तक देव टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने पर भी अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है तो गाइज निराशा होते हैं। प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो गाइज, आज मैं आपको देने वाला हूँ अगेन न्यू एपीएन सेटिंग, वो भी बीटा टेस्टिंग विद 5G स्पीड। तो गाइज, सबसे पहले तो हमारे मन में यही सवाल होगा कि 5G अगर एपीएन लगाते हैं तो मैक्सिमम हमें स्पीड कितनी मिल सकती है। तो आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, अगर हम 3G की स्पीड बताएं तो गाइज 300 प्लस KB की स्पीड होती है 3G में, और 4G में गाइज 100 MB के आसपास जो आपको स्पीड मिलती है, मतलब आपने कभी इतनी देखी नहीं होगी, बट जो कंपनीज होती है वो इतना दावा करती है कि 100 MB आपको मिल जाएगी पर सेकेंड। और जो 5G होती है गाइज, वो होती है 10 GB ओनली 1 सेकेंड। तो गाइज 5G की स्पीड इतनी होती है। तो अगर हमें 10 GB तो छोड़ो गाइज, अगर हमें यहाँ पे 100 MB भी छोड़ो, 10 MB मिल जाए वही काफ़ी है, क्योंकि 10 MB बहुत होती है, आपको भी पता है। और इंडिया का जैसे कि नेटवर्क है तो वो काफ़ी वीक है, तो उस हिसाब से अगर हमें 10 MB भी मिल जाए तो गाइज वो हमारे लिए काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे एक एपीएन सेटिंग देने वाला हूँ आपको आज, एक न्यू एपीएन सेटिंग, तो उसको ट्राई कीजिएगा, आपकी स्पीड 100% इंक्रीज होगी। तो गाइज़ यहाँ पे जैसे कि मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ एपीएन की, तो उससे पहले हम एपीएन सेट कर लेते हैं। सिम फर्स्ट में मैं अपने एपीएन को सेट करने वाला हूँ जो कि जियो का सिम है। तो एक्सेस पॉइंट नेम में चलते हैं गाइज़, डिफ़ॉल्ट एपीएन से छेड़खानी नहीं करनी है, प्लस के आइकन पर क्लिक करके एक न्यू एपीएन बनाना है। तो नेम में आइएगा पहले, तो जैसे आप नेम में आओगे तो नेम में सबसे पहले आपको लिखना है 5G स्पेस नेविगेट NAVIGATE नेविगेट स्पेस एक्सप्लोर। तो गाइज आपको नेम में ये लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा APN, तो APN में जो जिनके पास जियो है गाइज उनको लिखना है यहाँ पे VPN 5G, ये आप लिखना है जियो वालों को। अगर आपके पास आइडिया है तो आपको लिखना है इंटरनेट। एयरटेल वालों को यहाँ पे सिंपली airtel.gprs.com लिखना है। वोडाफोन वालों को लिखना है www, और BSNL वालों को लिखना है BSNL.net। ये सब कुछ लिखने के बाद आपको बाकी सेटिंग सेम करनी है। प्रोक्सी नो सेट रहेगा, पोर्ट भी नो सेट रहेगा। यूजर नेम पर आते हैं तो यूजर नेम में सबको सेम लिखना है 5G@pro.pro, और इसके बाद आपको कैपिटल में VPN लिखना है। तो ये लिखने के बाद सेव करना है। पासवर्ड नो सेट रहेगा। सर्वर आपको गूगल का सर्वर देना है HTTPS के साथ GOOGLE.com, ये आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट आएगा MMSC नो सेट, MMS प्रॉक्सी नो सेट, MMS पोर्ट नो सेट, MCC MNC आपका एरिया कोड है, इसको बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें, नहीं तो आपका APN ही सेव नहीं होगा। ऑथेंटिकेशन में आपको क्लिक करना है PAPOCHTTP पे, और APN प्रोटोकॉल में आपको यहाँ पे IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है। तो गाइज एक रह गया था APN टाइप। APN टाइप में अगर आपके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख लीजिएगा। इस तरीके से आपको ये सेव करना है। लास्ट आता है गाइज बेगार्ड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे पहले आपको अनस्पेसिफाइड पे टिक मिलेगा, उसको वहाँ से अनटिक कीजिएगा। LTE सेलेक्ट करना है उन वाले लोगों को जिनके डिवाइस में बस एक ही सेलेक्ट होता है, वो LTE सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज अगर आपके डिवाइस में एक से ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं तो आपको सब के सब बेगार्ड जितने भी आपके डिवाइस में आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो 15 हो, 16 हो, 20 हो, 25 हो, कितने भी हो गाइज, सब के सब सेलेक्ट कर लेना। इनसे हट के बेशक हो वो भी सेलेक्ट कर लेना। करने के बाद इस APN सेटिंग को सेव करना है। सेव करने के बाद इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते वक्त आपका APN गायब भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मेरा हो चुका था, बट वापस आ चुका है, और मैं इसको दोबारा से ट्राई करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इंटरनेट जो है अप डाउन होगा। अप डाउन का मतलब कभी आएगा कभी जाएगा, और इस वाली झंझट ये कभी कभी हो जाती है गाइज काफ़ी टाइम तक, 5-6 वक्त मुझे कभी कभी ऐसा करना पड़ता है ट्राई। तो यहाँ पे अब मेरा इंटरनेट जो है वो भी आ चुका है और APN भी एक्टिव है। तो अब मैं चलता हूँ बैक।
बैक चलने के बाद गाइज अब यहाँ पे स्पीड टेस्ट होगा, हमें इसकी स्पीड हम टेस्ट करेंगे। उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूँ कि आपको अपने फ़ोन को करना होगा रिबूट। रिबूट करने के बाद ही आपको अपने पिन से अच्छी खासी स्पीड मिल जाएगी। तो मैं अभी अपने फ़ोन को रिबूट कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने कर लिया अपने फ़ोन को रिबूट, और रिबूट करने के बाद स्पीड टेस्ट ओखला में हम देखते हैं इससे हमें क्या स्पीड मिलने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बीटा टेस्टिंग 5G स्पीड APN है, और इसमें जो आपकी स्पीड होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। कम से कम 10 MB से नीचे तो नहीं होगी, इससे ऊपर चाहे आपकी कितनी भी हो, बस इतना कन्फर्म है कि गाइज 10 MB से नीचे नहीं होगी। और जैसे यहाँ पर फाइंडिंग सर्वर हो जाता है तो यहाँ पे डाउनलोड और अपलोड दोनों की स्पीड स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज इस APN को एक बार आपको ट्राई तो करना बनता है, और ट्राई करने के बाद आपको गाइज रियली आपको एक अच्छे वाली स्पीड का मज़ा मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे सर्वर आ चुका है और स्पीड जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 MB 11 MB के आसपास जो है स्पीड चली हुई है, और जो अपलोड स्पीड होगी वो भी लगभग इतनी हो सकती है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो देखते हैं अपलोड स्पीड क्या होगी। यहाँ पे डाउनलोड स्पीड जो है 11 MB के आसपास आई है, और अपलोड स्पीड जो है वो चौंकाने वाली है 50 MBPS के आसपास लगभग। तो देख लेते हैं गाइज और कितना अप डाउन होगा इस स्पीड में। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि अब बस ख़त्म होने वाला है अपलोड का। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय।